जय श्रीमन्नारायण दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आज जानते हैं सर्वपित्र अमावस्या के बारे में। जी हाँ, पितरों की विदाई करने से पहले सर्वपित्र अमावस्या के दिन कर लें ये 3 महत्वपूर्ण काम, वरना हो सकता है बहुत बड़ा नुकसान। से 3 महत्वपूर्ण काम जानने से पहले जान लेते हैं सर्वपित्र अमावस्या के बारे में। पितृ पक्ष में सर्वपित्र अमावस्या को बहुत ही विशेष दिन माना गया है। इस दिन उन पितरों का श्राद्ध किया जाता है जिनकी मृत्यु की तिथि, मृत्यु का दिन पता नहीं होता कि किस दिन उन्होंने प्राण अपने त्यागे थे। सर्वपित्र अमावस्या को अश्विन अमावस्या, बड़ मावस या फिर दर्श अमावस्या भी कहा जाता है। और इस बार यह अमावस्या 25 सितंबर यानी कि रविवार के दिन पड़ रही है। देखिए, पितृपक्ष के दौरान तर्पण और श्राद्ध के जो कार्य हैं वो पितरों की मृत्यु की तिथि के अनुसार किए जाते हैं। यदि ये तिथि भूल जाएं या फिर आपको याद न रहे, गलती से आप भूल गए हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। सर्वपित्र अमावस्या के दिन आप श्राद्ध और तर्पण कर सकते हैं। सर्वपित्र अमावस्या पितृपक्ष का अंतिम दिन होता है, इसीलिए इस दिन आप सभी पितरों का ध्यान करें और इस दिन ही पितरों की विदाई भी होती है। इसीलिए उनसे किसी भी भूल के लिए आप क्षमा याचना करने के बाद उनकी आप विदाई करें। जी हाँ, तो अगर आप किसी का भी, किसी भी पितर की जो है वो तिथि भूल गए हैं, तो यही एक दिन है जब आप उन सब के लिए तर्पण, पिंड दान या धर्म कर्म के कार्य उनके लिए कर सकते हैं। जी हाँ, तो चलिए जान लेते हैं थोड़ा सा और उन महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में जिस पर ये वीडियो आधारित है। जो लोग वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि बाद में आप वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू कर लेते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आप जान लेते हैं उन 3 महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में जिनको आपको पितृ अमावस्या यानी कि पितरों की जिस दिन विदाई होती है उस दिन इनको आपने ज़रूर से करना है। तो उनमें जो पहला जो काम है वो है पितृपक्ष में हर तर्पण करना चाहिए। नहीं कर पाए तो सर्वपित्र अमावस्या को पानी में दूध, जौ, चावल और गंगा जल डालकर आपको तर्पण करें। इस दौरान पिंड दान भी करें। पिंड दान का मतलब है कि पके हुए चावल, दूध और तिलों को मिलाकर पिंड बनाए जाते हैं, और पिंड दान के लिए अश्विन अमावस्या विशेष रूप से शुभ फलदायी मानी जाती है। देखिए, सर्वपित्र अमावस्या होने के कारण इसे पितृ विसर्जनी अमावस्या या फिर महालया भी कहा जाता है, इसलिए पिंडदान करें। मान्यता ये भी है कि इस अमावस्या को पितर अपने प्रियजनों के द्वार पर श्राद्ध की इच्छा लेकर आते हैं। यदि उन्हें पिंडदान ना मिले तो वो श्राप देकर चले जाते हैं, जिसके फलस्वरूप घरेलू कलह बढ़ती है और कार्य भी बिगड़ने लगते हैं। कोई भी काम नहीं बनता, हमेशा ही घर में कलह कलेश बना रहता है। दूसरा कार्य है, देखिए, इस दिन आप सुबह स्नान करने के बाद पंच बलि, इसका मतलब है गाय, कुत्ते, कौवे, देवता और चींटियों के लिए भोजन का अंश निकाल कर आप उन्हें दें। इसके पश्चात आप ब्राह्मण या फिर किसी गरीब को भोजन करवाएं और अपनी क्षमता के अनुसार उन्हें दक्षिणा भी ज़रूर से दें। ब्राह्मण भोजन के बाद आप पितरों को धन्यवाद दें और जाने अनजाने में हुई भूल के लिए उनसे माफ़ी मांगें। इसके बाद आप अपने पूरे परिवार के साथ बैठकर भोजन करें। यदि ये काम आप नहीं कर सकते तो आप क्या करें, किसी भी मंदिर में जाकर के कच्चे अन्न का दान करें। तीसरा कार्य पे जान लेते हैं। देखिए, श्राद्ध के दिनों में पितर धरती पर आते हैं और उनका किसी भी रूप में अपने वंशजों के यहाँ आगमन हो सकता है। ऐसे में अगर उन्हें तृप्त नहीं किया गया तो उनकी आत्मा अतृप्त ही लौट जाती है। इसलिए सर्वपित्र अमावस्या के दिन पितरों को शांति देने के लिए और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए गीता के 7वें अध्याय का जो पाठ है वो आप ज़रूर से करें। साथ ही उनका फल पितरों को आप समर्पित करें, और ऐसा करने से पितर प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद ज़रूर से प्रदान करके ही जाते हैं। एक और काम आप ज़रूर से कर लें, वो है संध्या के समय आप अपनी क्षमता अनुसार 2, 5 या फिर 16 दीपक आप प्रज्वलित करें। इस दिन पितरों के नाम के धूप देने से मानसिक और शारीरिक तौर पर तो संतुष्टि या फिर शांति प्राप्त होती ही है, साथ ही घर में भी सुख समृद्धि बढ़ती है और सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। धूप देने के लिए आप कंडे पर गुड़ और घी के साथ अन्न को अग्नि में समर्पित करें, ये आप ज़रूर से कर लें। तो चलिए, ये हैं वो 3 काम जो कि आपको पितरों को विदाई देने से पहले ये सर्वपित्र अमावस्या यानी कि 25 सितंबर दिन रविवार इस दिन आपको ज़रूर करनी है। ये जानकारी यहीं तक ही, उम्मीद है दी गई जानकारी आपके काम आएगी और आप इसका लाभ उठाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय श्रीमन्नारायण दोस्तों।